नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट अ सोलेनॉइड हैविंग 2000 टर्न्स पर मीटर, देर इज अ सोलेनॉइड एंड इट हैज नंबर ऑफ टर्न्स 2000 पर मीटर, मतलब एक मीटर में 2000 टर्न्स हैं. हैज अ कोर ऑफ मटेरियल विथ रिलेटिव परमेबिलिटी, सोलेनॉइड के अंदर, सोलेनॉइड के अंदर एक कोर है, मतलब सोलेनॉइड मतलब क्या रहता है, एक ऐसा कॉइल रहता है क्लोज पैक्ड हेलिक्स वाला, और उसमें अंदर कोर रखा है, कोर मतलब एक रॉड रखता है. कोर जो है उसका रिलेटिव परमेबिलिटी कितना है, 220. द एरिया ऑफ कोर इज 4 cm². एरिया ऑफ द कोर इज गिवन एज 4 cm² एंड द सोलेनॉइड कैरीज अ करंट. दिस सोलेनॉइड, सोलेनॉइड एक कॉइल है, उसमें करंट पास कर सकते हैं, तो उसका करंट है दैट इज 5 एम्पियर. कैलकुलेट मैग्नेटिक इंटेंसिटी, क्या क्या कैलकुलेट करना है, देखो पहले H कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी. सेकेंड मैग्नेटिक फील्ड दैट इज B कैलकुलेट करना है. मैग्नेटिक फील्ड बी मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन. उसके बाद मैग्नेटाइजेशन ऑफ कोर मतलब MZ निकालना है. MZ एंड ऑल्सो कैलकुलेट पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ भी निकालना है लास्ट. ऑल्सो कैलकुलेट द पोल स्ट्रेंथ डेवलप्ड. पहले तो H निकालना है. अभी H कैसे निकालना है, फॉर सोलेनाइड हमने मैग्नेटिक इफेक्ट में, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में स्टडी किया है. सोलेनाइड में मैग्नेटिक फील्ड कितना रहता है उसका फॉर्मूला आपको पता है. दिस इज फ्रॉम मैग्नेटिक इफेक्ट. ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनाइड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनाइड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनाइड कितना रहता है, दैट इज बी, दैट इज बी नॉट, मतलब जब कोई मटेरियल अंदर नहीं रहता है तब सोलेनाइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना रहता है, बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई रहता है. मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इंडक्शन इनसाइड सोलेनाइड इज म्यू नॉट एन आई एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज नथिंग बट म्यू बी नॉट बाई म्यू नॉट. मैग्नेटिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, बी नॉट बाई म्यू नॉट. ये कहां से आ गया, बिकॉज बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच रहता है. बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच, सो एच इज इक्वल टू बी नॉट बाई म्यू नॉट आ जाएगा. सो एच का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, बी नॉट बाई म्यू नॉट, मतलब बी नॉट का फॉर्मूला है म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई म्यू नॉट. तो ये म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा और फॉर्मूला आ जाएगा एन आई. सो एन मतलब क्या रहता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर लेंथ, दैट इज 2000 एंड करंट इज गिवन एज 5. सो 5 × 2000 इज 10,000. 10,000 मीन्स 10^4 एम्पियर पर मीटर. सो दिस इज द मैग्नेटिक इंटेंसिटी. फर्स्ट मैग्नेटिक इंटेंसिटी तो मिल गया, अभी क्या निकालना है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. ओके, मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन व्हेन द मटेरियल कोर इज प्रेजेंट. अभी टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या रहता है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड मतलब बी रहता है, बी, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच इन ब्रैकेट 1 + काय. अभी देखिए म्यू नॉट एच मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड ओनली इन वैक्यूम, और मैग्नेटाइजेशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा, म्यू नॉट एम जेड प्रोड्यूस होगा, म्यू नॉट एच 1 + काय प्रोड्यूस होगा टोटल. इन दोनों का एडिशन करना पड़ेगा, बी नॉट प्लस बी एम मतलब बी होता है ना, टोटल होता है. सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एच इन ब्रैकेट 1 + काय.
So total magnetic field is mu naught is 4 pi into 10 raised to minus 7. H कितना है? 10 raised to 4 है. 1 plus susceptibility कितना दिया है? Susceptibility नहीं दिया है. तो susceptibility का formula नहीं use करेंगे. ये formula ऐसा भी है. Relative permeability दिया है. So B is equal to mu naught mu r H रहेगा, क्योंकि 1 plus का मतलब mu r रहेगा ना. 1 plus का मतलब mu r. So B is equal to mu naught is 4 pi into 10 raised to minus 7. Relative permeability is 220. H is 10 raised to 4. So total magnetic field B is coming to be 4 pi into 220 into 10 raised to minus 3. Okay, after doing all the calculations, total magnetic field is coming to be that is 88 pi into 10 raised to minus 2. 88 pi into 10 raised to minus 2 Tesla. So this is total magnetic field. उसके बाद हमें MZ निकालना है. MZ नेक्स्ट MZ. अभी MZ कैसे निकालना है देखो. MZ का एक फॉर्मूला कौन सा है? फर्स्ट फॉर्मूला MZ का बेसिक फॉर्मूला, इट इज कॉल्ड एज बेसिक फॉर्मूला. MZ का कौन सा है? दैट इज MZ इज इक्वल टू डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम. लेकिन ये फॉर्मूला इधर यूज नहीं कर सकते. लेकिन टोटल मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या रहता है? टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज बी नॉट प्लस बी एम रहता है ना. टोटल मैग्नेटिक फील्ड कहां से प्रोड्यूस होता है? एक तो बी नॉट से और दूसरा बी एम से. सो बी कैन बी रिटन एज बी नॉट मतलब म्यू नॉट एच एंड बी एम मतलब म्यू नॉट एम जेड रहता है. और इस क्वेश्चन में हमें म्यू नॉट पता है, एच पता है, बी पता है, एम जेड सिर्फ अनोन है. तो ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं एम जेड निकालने के लिए. So therefore, if mu naught is taken common, B is equal to mu naught in bracket H plus MZ. So B by mu naught is equal to H plus MZ, and therefore magnetization MZ is equal to B by mu naught minus H. So MZ is equal to B. B कितना है? Total 88 pi into 10 raised to minus 2 divided by mu naught कितना रहता है? 4 pi into 10 raised to minus 7 रहता है. Minus H कितना निकला है? 10 raised to 4 निकला है H. So MZ is coming to be 88 divided by 4 means 22. Pi pi get cancelled. 10 raised to minus 7 goes up. 10 raised to, it become 10 raised to 7. 10 raised to 7 into 10 raised to minus 2. So 10 raised to 5 minus 10 raised to 4. So that is 220 into 10 raised to 4 minus 10 raised to 4. ऐसा हम लिख सकते हैं. Okay? क्योंकि subtraction करने के लिए power पहले same होना चाहिए. 10 का power same होना चाहिए तभी हम subtraction कर सकते हैं. So 10 raised to 5 का 10 raised to 4 किया है, उसका एक 0, एक 10, 20, 22 को दिया है. So 22 into 10 raised to minus 5, 220 into 10 raised to 4 minus 10 raised to 4. So 10 raised to 4 common निकाला तो 220 minus 1, 219 into 10 raised to 4. So this is magnetization, MZ, ampere per meter. MZ will be 219 into 10 raised to 4 ampere per meter रहेगा. Finally, pole strength भी निकालना है. Pole strength.
पोल स्ट्रेंथ, लास्ट पोल स्ट्रेंथ स्मॉल एम इज गिवन बाय फॉर्मूला एन आई, है ना? पोल स्ट्रेंथ इज गिवन बाय फॉर्मूला एन आई. पोल स्ट्रेंथ इज सॉरी इट इज पोल स्ट्रेंथ इज गिवन बाय फॉर्मूला आई इंटू ए, सॉरी आई इंटू ए. पोल स्ट्रेंथ इज गिवन बाय फॉर्मूला आई इंटू ए. जस्ट अ मिनिट. अभी पोल स्ट्रेंथ मतलब क्या रहता है? स्मॉल एम रहता है पोल स्ट्रेंथ. एक एक पोल का अट्रैक्शन पावर कितना रहता है वो निकलना है पोल स्ट्रेंथ. अभी यमजेड मतलब क्या है? डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस द पर यूनिट वॉल्यूम. डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज यमजेड. हा फॉर्म्युला आपल्याला माहित आहे, यमजेड इज इक्वल टू यम बाय वॉल्यूम. मग डायपोल मोमेंट बरोबर काय येणार आहे? यमजेड इंटू वॉल्यूम होणार, मैग्नेटाइजेशन इंटू वॉल्यूम. ओके, आता डायपोल मोमेंट म्हणजे काय असतं? पोल स्ट्रेंथ इंटू मैग्नेटिक लेंथ. पोल स्ट्रेंथ इंटू मैग्नेटिक लेंथ म्हणजे काय होणार आहे? तुमचं डायपोल मोमेंट होणार, दॅट इज एम झेड इंटू. आता वॉल्यूम म्हणजे काय असतं? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथच असतं. वॉल्यूम म्हणजे काय असतं? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू टोटल लेंथ ना वॉल्यूम. आता 2L 2L दोन्ही साइडचं काय होणार? कॅन्सल होणार. 2L अँड 2L गेट कॅन्सल अँड देअर फोर पोल स्ट्रेंथ इज गिवन बाय फॉर्म्युला मॅग्नेटायझेशन इंटू एरिया. हा एक नवीन फॉर्म्युला आहे, हा एक लक्षात ठेवा लागेल. फॉर्म पोल स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मॅग्नेटायझेशन इंटू एरिया. पोल स्ट्रेंथ इज गिवन बाय फॉर्म्युला मॅग्नेटायझेशन इंटू एरिया अँड देअर फोर पोल स्ट्रेंथ इज गिवन बाय फॉर्म्युला मॅग्नेटायझेशन कितना आहे? 219 इंटू 10 रेस टू 4 इंटू एरिया कितना दिया है क्वेश्चन में? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. मतलब 4 इंटू 10 रेस टू माइनस 4, सो 4 इंटू 219. Okay. 476 ampere meter will be the pole strength. 476 ampere per meter. So this is correct answer. Pole strength. So दिस पार्ट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हे न्यूमरिकल जे आहे ते तुम्हाला परत परत रिपीट रिपीट सॉल्व करावे लागतील, जेणेकरून ते तुमच्या लक्षात राहतील. ठीक आहे.